जवान आराम करने के मूड में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शाहरुख जवान की शूटिंग को कंप्लीट कर लेने के बाद अब डंकी में लग चुके हैं और कहा जा रहा है कि शाहरुख एक खूबसूरत से सॉन्ग को शूट करने वाले हैं। और तो और ये शूटिंग कश्मीर की खूबसूरत वादियों में होने वाली है। दरअसल ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म पठान देने के बाद शाहरुख खान अपनी अगली दोनों फिल्में जवान और डंकी को पूरा करने में बिजी हो गए हैं। जहां इटली कुमार के डायरेक्शन में बनी जवान ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है और अब शाहरुख राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बन रही डंकी की शूटिंग में लग चुके हैं। ऐसे में अब सुनने में आ रहा है कि शाहरुख खान डंकी की शूटिंग के लिए कश्मीर पहुंचे हैं। राजकुमार हिरानी और शाहरुख आज यानी 24 अप्रैल से कश्मीर में डंकी के एक हिस्से की शूटिंग शुरू कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस गाने को कोरियोग्राफर गणेश आचार्य कोरियोग्राफ करेंगे, जिसके लिए उन्हें ऑन बोर्ड किया गया है। लेकिन सॉन्ग कोई पार्टी एंथम या रोमांटिक सॉन्ग होगा, इस पर कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन शाहरुख के सॉन्ग के लिए कश्मीर लोकेशन तय किया गया है। ऐसे में कयास लगने लगे हैं कि ये सॉन्ग एक रोमांटिक सॉन्ग हो सकता है। हालांकि जहां पहले कश्मीर में फिल्मों की काफी ज्यादा शूटिंग होती थी, वहीं अब ये काफी कम हो गई है। तो ऐसे में कश्मीर में फिर से फिल्म की शूटिंग कल्चर को जिंदा करने की कोशिश किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि राजकुमार हिरानी और उनकी टीम पिछले हफ्ते सोनमर्ग गए थे, क्योंकि उनके कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ एक गाने की शूटिंग करनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इमिग्रेशन पर बेस्ड डंकी की शूटिंग बड़े पैमाने पर मुंबई, बुदापेस्ट और लंदन में हो चुकी है। कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल ड्रामा डंकी में शाहरुख एक बार फिर से एक सोल्जर के रोल में नजर आएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से जवान की दोनों सॉन्ग की कुछ झलकियां फैंस को मिली, वैसे ही कश्मीर से डंकी की ग्लिम्सेस और अपडेट कब तक निकल कर बाहर आती है। खैर, आप बताइए शाहरुख खान की डंकी को 22 दिसंबर को थिएटर में देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।